हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर, आज आपके सामने रीजनिंग का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका क्या नाम है, गणितीय कथन तथा निष्कर्ष, जिसे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर और बोला जाए तो इनइक्वालिटी भी से बोलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है ये। गणितीय नियमों के आधार पर अंग्रेजी अक्षर एवं गणितीय चिन्हों या अन्य संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित समीकरण को गणितीय कथन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें पांच चिन्ह है जिसे हम लोग को मोस्टली पढ़ना है। सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन, जिसे ये साइन को हम बड़ा साइन कहते हैं। देखिए ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से क्या है, बड़ा है। यहाँ देखिए स्मॉलर देन का साइन है, छोटा का साइन है। ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा है। यहाँ इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल्स टू बराबर, जिसे बोलते हैं बराबर का साइन है। ए बराबर बी दिया हुआ है, ए बी के बराबर है। यहाँ देखिए क्या है, बड़ा या बराबर, तो ए बड़ा या बराबर है बी के। मीन्स क्या कह रहा है, ए बी से बड़ा है या बराबर है। यहां देखिए छोटा या बड़ा बराबर का साइन है, तो ए बी से छोटा है या बराबर है, ए बी से छोटा है या बराबर है। तो ये पांच साइन है जिसे आपको याद रखना है, इसी पे साइन पे आधारित प्रश्न रहेगा। मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसी में आपको बताते जाऊंगा कैसे बने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया है, क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है। ठीक है, तीन दिया हुआ है, ये भी है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पहले हमको पुट अप करना है, तीनों को एक साथ लिखना है। ठीक है, लिखेंगे n इज a, लिखे क्या है, n इज स्मॉलर देन a इक्वल्स टू t, t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू z। ठीक है, अब देखिए r और t का रिलेशन है, तो t यहां पे है ना, t के नीचे लिखिए, यहां पे t लिख देते हैं। ठीक है, अब t दिया हुआ है क्या है, t स्मॉलर देन r है, इसको अगर यहां पे लिख दे ऐसे, r लिखा सकता है। ठीक है, ये लिख देंगे, तीनों को बैठाएंगे उस तरह से। ठीक है, अब जेड से कोरिलेट कर रहा है एस को, तो जेड से क्या है, जेड से बड़ा है एस, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है आर इज ग्रेटर देन एन, क्या आर ग्रेटर देन एन है, तो हम कैसे जानेंगे। ठीक है, आर ग्रेटर देन एन है कि नहीं है, अब इसको हम यहां लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी है ना, यहां पर लिख सकते हैं आर, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, आर इज ग्रेटर देन एन, अब एन से चलते हैं फ्रेंड्स, एन क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए, एन छोटा है, एन छोटा है, ए से छोटा है, फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे, फिर टी इक्वल्स टू आ गया, यहां से आएंगे नीचे आएंगे, और फिर आर से छोटा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, इस तरह से बढ़ेंगे। ठीक है, तो आर क्या हो गया, पहला इक्वेशन क्या है, सही है। दूसरा चलते हैं, क्या कह रहा है, एस इज ग्रेटर देन जेड, एस जो है जेड से बड़ा है, तो ये तो साफ दिख रहा है एस जेड से बड़ा है, तो ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, दोनों क्या है, सत्य है। अगर फ्रेंड्स इसी में पूछेगा आपसे, इसमें अगर पूछते हैं n और z में क्या रिलेशन है, तो फ्रेंड्स n और z में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि देखिए ये साइन जो है ना अपोजिट आ रहा है, यहां देखिए ये साइन और ये साइन दोनों अपोजिट आ रहा है, जब अपोजिट साइन आता है ना, तो उसके बाद वाले जो टर्म रहते हैं उसमें कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर आपसे पूछ दे t और s में क्या रिलेशन है, तो इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, देखिए ऐसा ऐसा साइन आ रहा है। ठीक है, जब अपोजिट साइन आएगा ना, तो कोई रिलेशन नहीं रहेगा, विपरीत साइन आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, दोनों को मिलाते हैं, एल ई दे दिया इक्वल्स टू ए पी दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे बैठाएंगे, पुट अप करेंगे, देखिए पुट अप करते हैं, वाई ई और आर में है, तो वाई ई यहां पे है, तो ई के नीचे ई लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, वाई जो है ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, वाई जो है बड़ा है और इक्वल है ई के, और ई क्या है, बड़ा है आर से, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या बोल रहा है, वाई इज ग्रेटर देन एल, एल से पूछ रहा है वाई बड़ा है, तो अगर ई यहां लिखे ना, तो ई यहां भी लिख दीजिए। ठीक है, और वाई का रिलेशन इधर कर दीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि एल जो है, वाई जो है बड़ा है एल से, वाई बड़ा है एल से, वाई बड़ा है ई से, ई से बड़ा है एल, तो हो गया, सही तो है, पहला सही है। दूसरा देखिए, ए इज ग्रेटर देन क्या कह रहा है, आर, ए इज ग्रेटर देन आर, आप इसको आर को इधर बैठा लीजिए, जहां सही रहेगा। ठीक है, आर, अब ए इज ग्रेटर देन आर, ए इक्वल टू ई, मतलब यहां आ गया ई, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन आर, ये भी सब सत्य है, दोनों सत्य है, इसमें भी दोनों क्या है, सही है, सत्य है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, हम चलिए और क्वेश्चन को डील करते हैं। फ्रेंड चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें देखिए क्या दिया हुआ आपको, पहले मैंने बताया था इक्वेशन आपको देखना है। ठीक है, तो इक्वेशन का देखते हैं, अगर के क्या दिया हुआ है, के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस दिया हुआ है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, के बड़ा है और बराबर है किसके, एस के,
फिर एस क्या है, बराबर है यू के, यू छोटा है और बराबर है आर के। अब देखिए पहले इस ऑप्शन को भी देख लीजिए, ऑप्शन को देखिएगा तो आपको आइडिया आया किधर लिखना है। तो आर और जे में रिलेशन पूछ रहा है, आर और जे में, और यहाँ क्या है यू है यहाँ पे, ठीक है, आर और जे में पूछ रहा है, ठीक है, तो यू से बड़ा है जे, तो आर और जे में पूछ रहा है तो जे यहाँ रख दीजिए, ठीक है, तो ऐसे करने में आपको आसान होगा बैठाने में, ठीक है। और पूछ रहा है एल और के में रिलेशन, तो एल को कहाँ रखेंगे, एल को इस साइड लिखेंगे, तो एल को इधर लिखेंगे तो एल इधर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब रिलेशन आ गया, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखिए पूछ रहा है क्या, आर बड़ा है जे से, आर जो है आर जे से बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्या आ रहा है, एक एक तो साइन जो आ गया ये आ गया और एक साइन क्या आ गया ये आ गया, दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा, पहला गलत है, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो एल और के में रिलेशन पूछ रहा है, एल इक्वल्स टू के, एल इक्वल्स टू के, देखिए फ्रेंड्स के इक्वल हो सकता है एस के, एस इक्वल हो गया यू के, यू यहां लाए तो नहीं, यू इज ग्रेटर देन एल मीन्स क्या होगा ना, के इज ग्रेटर देन एल होगा, ठीक है, तो ये भी गलत है, दोनों असत्य है, तो इसका क्या हो जाएगा, यदि ना तो एक ना ही दो सत्य हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, दोनों असत्य है, दोनों क्या है असत्य है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, जब अपोजिट साइन रहता है तो क्या हो जाता है, दोनों दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। अगला देखते हैं ये इस इक्वेशन में, तीन इक्वेशन है, एक दो तीन, तीनों को बैठाएंगे, डी बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा और बराबर है सी के, सी छोटा है एक्स के। अब देखिए अब किस में रिलेशन पूछ रहा है, एक्स और के में रिलेशन पूछ रहा है, एक्स और के में, तो अगर ये बैठाएंगे एक्स और के में रिलेशन पूछ रहा है तो ये बैठाएंगे तो डब्ल्यू के कितने बैठाना होगा, डब्ल्यू के हमको इधर बैठाना होगा, तो डब्ल्यू से बड़ा है के, हो गया बैठ गया। अब देखिए एल और डब्ल्यू में रिलेशन पूछ रहा है, एल और डब्ल्यू में, तो सी के इधर बैठाएंगे, ठीक है, तो जहां से ये हुआ सी के इधर बैठाएंगे तो अपना आराम से हो गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है पहला जो निष्कर्ष पूछ रहा है, एक्स क्या है ग्रेटर देन के है, एक्स क्या है ग्रेटर देन के, देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन यहीं पे आ गया, यहाँ पे अपोजिट साइन हो गया, ये साइन और ये साइन क्या है, दोनों आपस में अपोजिट है, जब अपोजिट साइन हो गया तो आगे तो बढ़ने का चांस ही नहीं है, उसके आगे तो देख ही नहीं सकते, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, डब्ल्यू जो है ग्रेटर है और इक्वल्स टू एल है, हाँ ये हो सकता है, एल से क्या है डब्ल्यू बड़ा है और इक्वल है, ये हो जाएगा, चलिए ये हो गया, ये सत्य है आपका, तो क्या हो गया निष्कर्ष, केवल दो सत्य है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, केवल दो क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला देखते हैं पांचवा नंबर क्या कह रहा है, पांचवा नंबर में देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, इसको भी इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन कैसे बनेगा आप देखिए, इक्वेशन में बैठाइए एस है ग्रेटर देन बी है इक्वल्स टू के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल। अब देखिए इसको बैठाना है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, एल और यू में पूछ रहा है, एल और यू में पूछ रहा है तो आप कहां लिखना चाहिएगा, तो इस साइड लिखिए, बी को यहां लिखिए, ठीक है, बी के इक्वल क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, और पी से बड़ा आपका क्या है यू है, यहां पे आ गया, ठीक है। अब यू और एल में भी पूछ रहा है, दोनों हो जाएगा इससे, ठीक है। अब देखिए यहां पे फ्रेंड्स अगर एल से आप चलते हैं, क्या पूछ रहा है, यू बड़ा है एल से, यू बड़ा है एल से, यू बड़ा है, ठीक है, बड़ा है एल से, सही है ये आपका, और यू इक्वल है एल के, दोनों सत्य है। और यहां देखिए फ्रेंड्स जब दोनों सत्य रहे और दोनों का जो टर्म दिया हुआ है, यहां देखिए एल और यू इसमें भी है, एल और यू इसमें भी है, तो इसमें क्या होगा ना, ऐसा जब दिया रहेगा तो या तो निष्कर्ष एक होगा या तो निष्कर्ष दो सत्य होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, या तो एक या तो दो हो जाएगा, आप समझिए यहां लिख दिए हैं ई हो जाएगा आपका। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या करना है, छठा नंबर क्वेश्चन का इक्वेशन बनाइए, डी लिखे डब्ल्यू लिखे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की है सी ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए सी पहले यहां देख लीजिए ऑप्शन में डी और एल में रिलेशन पूछ रहा है, तो एल को हम किधर लिखेंगे, एल को इधर लिखते हैं सी के, तो सी क्या है बड़ा है किससे एल से, ठीक है। अब देखिए किसने पूछा एल और डी में रिलेशन पूछ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, डब्ल्यू के का बैठाना है जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैसा पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है, आपको डी और एल में रिलेशन पूछ रहा है। देखिए डी और एल का देखें तो डी इज ग्रेटर देन एल, डी क्या है ग्रेटर देन एल है, ये सही हो जाएगा फ्रेंड। देखिए डी क्या है आपका बड़ा है एल से, डी क्या है बड़ा है एल से, ठीक है। और फिर देखिए एल क्या बड़ा है, जब डी एल से बड़ा है तो एल कैसे बड़ा होगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका इसका केवल एक सत्य हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सातवां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सातवां नंबर को पहले हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं, R क्या कह रहा है, R इज स्मॉलर देन इक्वल टू A, A इज स्मॉलर देन M, M इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, T इज ग्रेटर देन इक्वल टू Y। M को कैसे बैठा है, देखिए S और R का रिलेशन पूछ रहा है, S और Y का रिलेशन पूछ रहा है, मीन दोनों तरह से बैठाना पड़ेगा। मान लीजिए M यहां लिखते हैं, ठीक है,
तो m से बड़ा है s, s और किस में रिलेशन है, s और r में भी है, ठीक है। तो m से बड़ा है इक्वल टू s है, ये लिख लिए। अब यहां पे एक चीज और कर दीजिए, यहां पे भी लिख दीजिए m से बड़ा है s, कर दिए ना, लिख दिए। ऐसा इसलिए लिखे ना क्यों, देख लीजिए r के साथ रिलेशन निकालना है आपको, लिखने में आसान होगा, y के साथ रिलेशन निकालना इसलिए। अब पहला पूछा है एस इज ग्रेटर देन आर, एस क्या है, ग्रेटर देन आर है। तो देखिए s यहाँ पे बड़ा है, चलिए ठीक है बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है पहला सत्य है। देखिए यहाँ यहाँ बड़ा है s, बड़ा है m से, फिर m देखिए m बड़ा है a से, a बड़ा है r से, हो गया सही है पहला। अब देखिए दूसरा, s बड़ा है इक्वल टू है y से, ये भी सही हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए ग्रेटर इक्वल टू साइन है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू साइन है, यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू साइन है, मीन दोनों क्या हो गया, दोनों सत्य हो गया, ये भी सही हो गया। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। एक और दो, एक वन एंड टू दोनों सत्य है, दोनों क्या है, दोनों सत्य है। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं एक और टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहा है। देखिए पी डेल्टा क्यू कह रहा है, ठीक है पहले इसमें देख लीजिए, ग्रेटर देन का साइन होता है फ्रेंड्स स्मॉल देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, स्मॉल देन इक्वल टू का साइन, और एक होता है इक्वल टू का, ये पांचों साइन है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, जब बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है। डेल्टा का अर्थ हो गया क्या, डेल्टा का अर्थ हो गया आप छोटा और इक्वल्स टू, मीन्स ये वाला हो जाएगा साइन, ये वाला छोटा और इक्वल्स टू, ठीक है। अगला देखिए पी परसेंट क्यू का अर्थ है पी ना तो क्यू से छोटा है ना ही समान है, तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो परसेंट का अर्थ क्या हो गया, बड़ा। अगला देखते हैं पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है, कॉपीराइट, कॉपीराइट क्यू का अर्थ क्या है, देखिए अर्थ है पी ना तो क्यू से बड़ा है, ना ही बड़ा है और ना ही समान है, तो क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। इसको निकालना है फ्रेंड्स, आपको समझना होगा, ठीक है। अब देखिए P इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ है, Q का अर्थ है P ना तो Q से बड़ा है और ना ही छोटा है, तो जब ना ही बड़ा ना ही छोटा है तो क्या होगा, इज इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। अब देखिए डॉलर Q का अर्थ क्या दिया हुआ है, P डॉलर Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, तो जब P Q से छोटा नहीं है तो बड़ा या इक्वल टू होगा, बड़ा या क्या होगा, इक्वल टू होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, कथन देखते हैं, K डेल्टा D है। अब डेल्टा का अर्थ क्या है, डेल्टा का देखिए अर्थ क्या है, छोटा है और इक्वल टू है किसके, डी के। अब देखिए डी क्या है, डी कॉपीराइट डब्ल्यू, कॉपीराइट का अर्थ है छोटा किससे, डब्ल्यू से, और डब्ल्यू इन्वर्टेड कॉमा है इक्वल टू जेड हो जाएगा, इसको इक्वेशन बना दीजिए। देखिए अगर बैठाएंगे तो क्या होता है, के इज स्मॉलर देन इक्वल टू डी, डी इज ग्रेटर देन, डी इज स्मॉलर देन डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इक्वल टू जेड, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब देखिए जे परसेंट के है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, जे परसेंट का क्या है, परसेंट है इज ग्रेटर देन के, ठीक है। अगला देखिए के, के इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। अब इसको देखिए इक्वेशन को बनाइए, कौन सा सत्य आपको फाइंड आउट करना है निष्कर्ष में से, जे जेड इज ग्रेटर देन के है क्या, जेड ग्रेटर देन के, जेड ग्रेटर देन के होगा, सही है आपका पहला निष्कर्ष, सही है ये, सही है। दूसरा देखते हैं के इक्वल टू डब्ल्यू, के इज इक्वल टू डब्ल्यू, नहीं ये गलत है, दूसरा गलत है, केवल निष्कर्ष क्या है, एक सही है, क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही है, मीन्स आपका सी आंसर सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, केवल एक सत्य है, एक सत्य है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं कथन पे, दूसरा कथन है आपका फ्रेंड्स, डी डॉलर टी दिया हुआ है, डॉलर का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, याद देखिए डॉलर का हम लोग दिए हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो डी क्या हो गया, डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी हो गया। अब टी परसेंट एम है, टी परसेंट टी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक शब्द बैठाना चाहे तो बैठा सकते, टी इज ग्रेटर देन एम हो गया, एम कॉपीराइट दिया हुआ है के, कॉपीराइट क्या अर्थ हो गया, के, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, के परसेंट टी है तो परसेंट क्या हो गया, के इज ग्रेटर देन टी हो जाएगा, के इज ग्रेटर देन टी। अब एम कॉपीराइट डी है तो कॉपीराइट क्या हो जाएगा, एम इज स्मॉलर देन, एम इज स्मॉलर देन टी, टी। अब देखिए दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है, आप ये निकाल लिए हैं, इक्वेशन निकाल लिए, इसमें से देखिए क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष में कह रहा है के इज ग्रेटर देन टी, के क्या टी से बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्यों नहीं बड़ा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो साइन है दोनों अपोजिट हो गया, जब अपोजिट होता है ना तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता है, तो पहला में के और टी में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आप बता नहीं सकते कि बड़ा है कि छोटा है, कि बड़ा बड़ा और इक्वल टू है कि छोटा इक्वल टू है कि इक्वल टू है, ठीक है, इससे पहला इक्वेशन गलती हो गया। अब देखिए दूसरा में कह रहा है डी इज ग्रेटर देन एम, डी एम से बड़ा है, डी देखिए ग्रेटर यहां भी है, ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटर है, देखिए ग्रेटर यहां ग्रेटर यहां, ग्रेटर ग्रेटर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दूसरा क्या है, दूसरा निष्कर्ष सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सत्य है, डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो सत्य है, केवल
निष्कर्ष दो सत्य है, दो निष्कर्ष टू सत्य है, टू सत्य है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका जो मैंने थ्योरी बताया आपको, इनइक्वालिटी से रिलेटेड था जो कि मैंने थ्योरी बताया, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया कैसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।